दोस्तों जादुई दुनिया में कुछ ऐसी ट्रिक्स होते हैं जो बच्चों से लेकर बड़ों को भी हैरान कर देते हैं। गलियों में जादू दिखाने आए मैजिशियंस को देखने के बाद बच्चा माँ से सिर्फ एक ही जिद करता है, माँ मुझे भी जादू सीखना है। आपने भी कभी न कभी तो अपनी लाइफ में जादू किया ही होगा या करने की सोची होगी। लेकिन दोस्तों अपनी जादुई ट्रिक्स से हमें हैरान कर देने वाले ये जादूगर असल में कोई जादू करते ही नहीं है, बल्कि कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हमें और आपको बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए भी इन्हें बहुत मेहनत की जरूरत लगती है। एक ट्रिक के पीछे किसी मैजिशियन की सालों की मेहनत छिपी होती है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम इन मैजिशियंस के जादू के पीछे छिपे कुछ ऐसी ही ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा इन ट्रिक्स को देखने के बाद आप भी जादूगर बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, कार्ड ट्रिक्स। कार्ड से जुड़े कई तरह के मैजिक आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम इन मैजिक्स के पीछे छिपी ट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अमेरिका'स गॉट टैलेंट के शो में, जहाँ पर एरिक जोन्स नाम का एक शख्स मैजिक दिखाने के लिए आता है और एक के बाद एक कई ऐसी ट्रिक्स को आजमाता है जिससे ऑडियंस के साथ साथ जजेस भी हैरान रह जाते हैं। अपनी छाप छोड़ते हुए एरिक आगे बढ़ता है और जजेस के पास पहुंचता है, जिसके बाद एरिक ज्यूरी मेंबर्स में से एक कार्ड पे साइन करने को कहता है और एक हथौड़े से अपने हाथ पे मारता है। तभी साइन किया वो कार्ड वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद एरिक इनमें से एक जज के रेड बटन पे उसी हथौड़े से मारता है, जिससे वो बटन टूट जाता है और उसके अंदर से वो साइन किया हुआ कार्ड निकल आता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस कार्ड मैजिक के पीछे एक ट्रिक छिपे हुए है। दरअसल जब एरिक कार्ड पे साइन करवाकर इसे अपने हाथ में रखता है और हाथ पर जब हथौड़े से मारता है, तो वो इस कार्ड को अपने हथौड़े में बहुत ही चालाकी से छिपा लेता है और बाद में रेड बटन पे मारने का नाटक करता है। और ऐसा करते हुए ही कार्ड हथौड़े में से नीचे गिर पड़ता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कार्ड उस बटन के नीचे दबा हुआ था। नंबर टू, फोन इन बॉटल। आजकल ये जादुई ट्रिक कुछ ज्यादा ही घूम रही है। यहाँ एक जादूगर इसी मैजिक ट्रिक को दिखाने के लिए आता है और ये ट्रिक बिल्कुल रियल लगे उसके लिए मैजिशियन ऑडियंस में से एक से खाली बॉटल मांगता है, वहीं दूसरे ऑडियंस से उसका फोन मांगता है और देखते ही देखते वो इस फोन को बॉटल के अंदर फिट कर देता है, जिसके बाद पास ही बैठे इस शख्स का रिएक्शन तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इसमें जादू जैसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक नॉर्मल सी ट्रिक है। इस ट्रिक को करने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, जिनमें से एक होता है नकली अंगूठा, जिसमें ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन एक बहुत शार्प ब्लेड होना चाहिए। ऑडियंस से बॉटल लेने के बाद आप बस उसमें एक कट मार दीजिए और कट इतना बड़ा हो कि मोबाइल फोन बॉटल के अंदर चला जाए, और मोबाइल फोन बॉटल के अंदर डालने के बाद इस बॉटल को ऑडियंस को ज्यादा चेक मत करने दीजिए। नंबर थ्री, कट द रोप। दोस्तों ये ट्रिक तो आपने देखी होगी, जिसमें जादूगर अपने हाथ में एक रस्सी लेता है और उसे कैंची की मदद से काट देता है, फिर ऐसे शो करता है जैसे वो रस्सी कभी कटी ही नहीं थी। लेकिन अगर आप रियल में देखेंगे तो वो रस्सी सही में नहीं कटती है, क्योंकि इस मैजिशियन के हाथ में पहले से ही एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा मौजूद होता है। ऑडियंस को रस्सी दिखाने के बाद जब रस्सी को काटने की बारी आती है, तो मैजिशियन उस छोटी रस्सी को काटता है और बड़ी रस्सी कभी काटी ही नहीं जाते। और इस तरह ये एक और बहुत ही अट्रैक्टिव ट्रिक है जो लोगों को काफी हैरान करते हैं। नंबर फोर, डेंजर असॉल्ट। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि तलवार से स्टंट करना कितना ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन अमेरिका'स गॉट टैलेंट शो में आए शख्स ने अपनी तलवार से किए गए मैजिक के बाद सबको हैरानी में डाल दिया। दरअसल इस शो के सेमीफाइनल तक पहुंचे जेम्स मॉरन ने एक ऐसा स्टंट किया जिसे देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल इन्होंने तलवार के साथ स्टंट किया, जिसके बाद तलवार इनके पेट के आर पार हो गए। क्लिप में आप देख पा रहे होंगे कि जेम्स के दो असिस्टेंट आते हैं जो उन्हें इस तलवार के ऊपर लटा कर चले जाते हैं, और थोड़ी देर बाद ये तलवार जेम्स के पेट को चीरती हुई आर पार हो जाते हैं, जिसे देख वहां मौजूद हर किसी की चीख निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यूं तो ये ट्रिक करने में बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसके लिए काफी प्रैक्टिस की भी जरूरत है, लेकिन यहाँ इस ट्रिक को करने में जेम्स की जिसने सबसे ज्यादा मदद की वो तीन चीजें थी, जिनमें पहला था उनका कॉस्ट्यूम, दूसरी थी वो नकली तलवार, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था उनका बैलेंस। दोस्तों आप जो क्लिप में तलवार देख रहे हैं, असल में वो तलवार असली है ही नहीं, ये नकली तलवार है, और इनके कॉस्ट्यूम में पहले से ही तलवार का एक छोटा सा पार्ट लगा हुआ है, और जैसे ही ये थोड़ा नीचे आते हैं वो पार्ट उभर कर ऊपर आ जाता है और देखने वालों को ऐसा लगता है कि तलवार आर पार हो गई है। वहीं यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो जेम्स के बैलेंस ने किया, क्योंकि उन्होंने बैलेंस बहुत अच्छे से बनाए रखा, जिस वजह से उनका ये जादू सक्सेसफुल रहा। नंबर फाइव, मैजिक ब्लैक बोर्ड। दोस्तों अब आप इस 8 साल की बच्ची पे भी नजर डाल लीजिए, जो एक बॉक्स को लेकर जजेस के पास पहुंचती है और उसमें से अपनी तीन फेवरेट बुक्स निकालकर जजेस के पास रख देते हैं। बॉक्स खाली होने के बाद ये लड़की इनमें से एक जज को बॉक्स को उठाने के लिए कहती है, और वो ये भी कहती है कि अगर वो चाहें तो अपने किसी कलीग या पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन दोनों मिलके भी उस बॉक्स को नहीं उठा पाते हैं, और ऐसा क्यों होता है ये हम आपको बताएंगे। चलिए आपको बताते हैं।
दरअसल ये बॉक्स स्पेशली खरीदा गया है। इस बॉक्स का एक स्विच भी है। इस बॉक्स को ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है कि स्विच ऑन करते ही ये किसी भी सॉफ्ट सरफेस पे चिपक जाता है और स्विच ऑफ करते ही ये वापस से रिमूव हो जाता है। जिससे जब ये जजेस इस बॉक्स को उठा रहे थे तो लड़की ने उस स्विच को ऑन कर दिया था और जब लड़की ने उसको उठाया तो उसने स्विच ऑफ कर दिया था। वहीं उसके बाद ये लड़की इन जजेस में से एक से अपनी किताब में से कोई भी एक वर्ड पढ़ने को बोलती है और वो जज उस वर्ड को पढ़ती है तो वो शब्द स्टेज पे लगे ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे इसे किसी इंसान ने लिखा हो। लेकिन हम आपको बता दें कि ये भी नई टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। दोस्तों ये ब्लैक बोर्ड किसी टैबलेट या कंप्यूटर से अटैच होता है, जिसके बाद आप टैबलेट या कंप्यूटर पे कुछ भी लिखेंगे तो वो इस बोर्ड पे लिख जाएगा। लेकिन देखने वालों को ऐसा लगेगा कि ये किसी मैजिक ट्रिक के जरिए इस बोर्ड पे लिखा गया है, जैसा कि यहां सबको लगा। नंबर 6, डिसअपीयरिंग फ्रॉम बॉक्स। अब दोस्तों इस मैजिक ट्रिक को भी देखिए, जिसमें एक मैजिशियन आता है और एक बॉक्स में चला जाता है, जिसके बाद उसके दो असिस्टेंट आते हैं और उस बॉक्स को पीछे खिसका जाते हैं, जिसके बाद मैजिशियन अचानक से जजेस के पीछे से निकल आता है और ये देख सभी हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ भी एक स्पेशल तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बॉक्स के नीचे कुछ और भी रखा है जो है सीढ़ियाँ। जैसे इस मैजिशियन के असिस्टेंट बॉक्स को आगे लेकर आते हैं, ये मैजिशियन सीढ़ियों की मदद से इस बॉक्स में से निकल जाता है और बॉक्स में पहले से ही एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सा बंदा मौजूद रहता है जो लगातार अपने हाथ हिलाता रहता है। और तभी सीढ़ियों की मदद से ये मैजिशियन जजेस के पीछे पहुंच जाता है और सब इसकी मैजिक ट्रिक को देखकर हैरान रह जाते हैं। नंबर 7, स्नोमैन फ्रॉम एन एल्बम। दोस्तों अमेरिकाज गॉट टैलेंट के 9th सीजन के विनर का ये मैजिक ट्रिक भी देखिए, जिसमें ये अलग अलग तरह के स्नोमैन बनाकर उन्हें 3 हिस्सों में कट कर देते हैं और ऑडियंस को भी दिखाते हैं, जिसके बाद ये जजेस के पास जाते हैं और उनमें से किसी एक स्नोमैन को चूज करने के लिए बोलते हैं। और जब जज उस एक स्नोमैन को चूज करती है तो वही स्नोमैन सामने रखे बॉक्स में से निकलकर सामने आ जाता है। इतना ही नहीं, ऑडियंस और जजेस की टेबल और चेयर्स के नीचे जो पेपर रखे हुए हैं उनमें भी वही स्नोमैन बना हुआ होता है। अब देखने में ये ट्रिक जितनी ज्यादा पेचीदी और इंटरेस्टिंग लग रही है, ये असल में उतनी ही आसान है। असल में दोस्तों ये मैजिशियन पेपर के नीचे वाले हिस्से में से जज को स्नोमैन का चयन करने के लिए बोलते हैं, जबकि सभी स्नोमैन नीचे से सेम ही होते हैं और ये जानते हैं कि जज चाहे कोई भी स्नोमैन चूज करे निकलेगा तो वही जो ये चाहते हैं, और इस तरह ये लोगों को आसानी से बेवकूफ बना देते हैं। दोस्तों उम्मीद है एकाध जादू तो आप भी सीख ही गए होंगे, लेकिन इन ट्रिक्स को आजमाने से पहले प्रिकॉशन पे जरूर ध्यान दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।